हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित मंगाल। आज हमारी वीडियो में हम एक इंडियन डॉग ब्रीड कवर करेंगे जिसका नाम है रामपुर ग्रेहाउंड। इस वीडियो को मैं टोटल 4 पॉइंट्स में कवर करूंगा। फर्स्ट पॉइंट हिस्ट्री एंड ओरिजिन, सेकंड पॉइंट क्वालिटी, थर्ड पॉइंट क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है, और फोर्थ पॉइंट प्राइस। अब बात करते हैं हिस्ट्री एंड ओरिजिन की। इस डॉग ब्रीड का ओरिजिन नॉर्दर्न इंडिया से है। एग्जैक्ट एरिया है दिल्ली और बरेली के बीच में, एक रामपुर रीजन है, वहां से इस डॉग का ओरिजिन है। इस डॉग ब्रीड को साइट हाउंड फैमिली में माना जाता है और शॉर्ट हेयर साइट हाउंड भी बोला जाता है इसे। इस डॉग को ब्रीड कराने के पीछे क्या पर्पज था, एक हंटिंग डॉग बनाना था। महाराजा इसको यूज करते थे जैकल्स को कंट्रोल करने के लिए, और लोयंस और टाइगर्स और लेपर्ड्स की हंटिंग के लिए भी इस डॉग को यूज करा जाता था। और इसका एक और नाम है नॉर्दर्न इंडिया ग्रेहाउंड। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है क्वालिटी। इस डॉग ब्रीड का शॉर्ट कॉट होता है। इस डॉग ब्रीड की आइडियल बॉडी होती है जैसे ग्रेहाउंड्स की होती है, मतलब की हल्का शरीर होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, मस्कुलर शरीर होता है जो स्पीड में हेल्प करते हैं बहुत तेज भागने के अंदर। इनकी डीप चेस्ट होती है पर वाइड नहीं होती, चौड़ी नहीं होती इनकी चेस्ट, लंबी टेल होती है इनकी। इनका मैं अब आपको हाइट बताता हूँ। हाइट इसको द मेल की 12 इंच से 28 इंच, और फीमेल की हाइट होती है 12 इंच से 24 इंच। वेट बताता हूँ मेल का। मेल का वेट 25 से 30 केजीज और फीमेल का 25 से 35 केजीज होता है। कलर्स इसके अंदर फोन एंड व्हाइट कलर, ब्रिंडल एंड व्हाइट, ग्रे और ब्रिंडल और रेड एंड फोन कलर आते हैं इसके। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। पहला पॉइंट, इस डॉग को रेगुलर एक्सरसाइज करानी पड़ेगी और ज्यादा एक्सरसाइज करानी पड़ेगी क्योंकि ये एक हंटिंग डॉग ब्रीड है, तो मैंने अभी बताया, तो इसको ज्यादा एक्सरसाइज दूसरे डॉग से कंपेयर में ज्यादा एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको इस चीज में। ग्रूमिंग के लिए इसका शॉर्ट कट होता है तो आप वीकली ग्रूमिंग कर सकते हैं इसकी। अब बात करते हैं कि ये डॉग बच्चों के लिए अच्छा है या नहीं है, या किसके लिए प्रेफरेबल है। ये डॉग प्रेफर उनको है जो अडल्ट है, अडल्ट के लिए डॉग प्रेफरेबल है। फ्रेंडली नेचर है, छोटे बच्चों के साथ रह जाएगा अगर आप इसको सोशलेबल बनाओगे तो। इसका प्लेफुल मतलब मूडी है, ये प्लेफुल में इसका नेचर है, मूडी नेचर है अगर। और इस डॉग को इतना अच्छा गार्ड डॉग की तरह नहीं कहा जाता, रिव्यूज यही है, बाकी इसे अलार्मिंग डॉग की तरह यूज करा जा सकता है अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो है प्राइस। रामपुर ग्रेहाउंड आपको 4000 से 10000 के बीच में एक आइडियल ब्रीड मिल जाएगी आपको। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।